Guys, good morning. I hope you all are ready. And अभी मैं रेडी हो गई हूँ. अब मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हूँ. पापा के लिए वेट करें क्योंकि मैं ट्रेन से जाती हूँ. तो पापा आएंगे, फिर हमें मुझे लेकर जाएंगे स्टेशन में, ड्रॉप कर देंगे, फिर वहाँ से मैं ट्रेन लूँगी. अभी मैंने वेज में ट्रेन में देखा है कि ट्रेन अभी कहाँ पे है. अभी एक स्टेशन दूर में है, तो पापा भी आएंगे, मुझे ड्रॉप कर देंगे, फिर वहाँ से एक ट्रेन है मेरे साथ में चाहूँगी. तो फिर जाके वहाँ पर स्टेशन में मिलते हैं गाइस. जैसे कि मैंने बोला था कि स्टेशन में जाके बताती हूँ, लेकिन मतलब इतना लेट पापा आए, तो पापा इतना लेट आने से क्या हुआ, तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया और मुझे भी ट्रेन पकड़ना था. और स्टेशन में इतना भीड़ था क्योंकि अभी वो कुछ पूजा वगैरह चल रहा है, तो पूजा वगैरह चल रहा है, तो उस वजह से क्या होता है ट्रेन में सबको जाते हैं तो बहुत भीड़ हो रहा है, रश. पापा इतना लेट है और मैंने आज पहली बार लेडीज़ में उठी और इतना भीड़ था, कुछ बोलने का नहीं, मतलब हाथ लाने की जगह भी नहीं था, इतना रश था. फिर आने के टाइम भी स्टेशन में इतना भीड़ था, और इसीलिए हमने क्या किया, टोटो पकड़ के डायरेक्टली कॉलेज में आ गई, तो इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाई. तो अभी मैं कॉलेज में हूँ, ये पार्किंग एरिया है, तो यहाँ पे आके जिसका भी बाइक वगैरह है वो आके पार्किंग करते. अभी बैठ रही हूँ, क्लास में एंटर करने हमें नहीं देते हैं, 10:30 के बाद ही हम अपने क्लासेस में जा सकते हैं. तो अभी हम ऐसे ही पार्किंग एरिया या फिर सिटिंग वेटिंग एरिया, वहाँ पर हम बैठ के नहीं कर सकते हैं. तो इसके बाद जब क्लास जाऊँगी फिर क्लास में रिकॉर्ड करती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ. यहाँ पे हमारा, यहाँ पे वो देखो कॉर्न का वो हो रहा है, फार्मिंग हो रहा है उधर में बनाना, और ये ऐसे ही है. और यहाँ पे ये जो कॉलेज है, ये यहाँ पे बीएड होता है टीचर का, और फिर नर्सिंग में अभी इस साल से नर्सिंग भी स्टार्ट किए हुए हैं. और ये गार्डन एरिया, हमारा कॉलेज उस मिडिल पे है, उसके बाद फिर हॉस्टल्स हैं. तो हमारे कैंपस में तीन बिल्डिंगें हैं, एक बीएड का और नर्सिंग का है, उधर में हमारा है वो रास्ते से, और फिर उसके बाद तो हॉस्टल का है. ये रास्ता जो देख रहे हो यहाँ से कैंटीन होता है, और ये वेटिंग रूम है. But how was your day? My day was अबे शुरू ही हुआ नहीं होता. ता how was your midday? Late तो हो गया था ना? 12 बजे गए थे. ता hi sir. Hi sir. विदिशा हाय कर बोल दी, बोल की भी नहीं चीज আমি খেয়ে নেছি আজকে আমি কচুরি আর তরকারি নিয়েছি. জলদি জলদি হিন্দো শুনলে জলদি খিদা পাচ্ছে. এখন আই নেই এখানে না কচুরি এই প্রণয় ব্লগ চলছে. হাই কর গোলা রুটি টিফিন খতম হয়ে আর আমার পেট নেই ভরা. तो हम जा रहे हैं कैंटीन, और ये हमारा लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम बनेगा, और यहाँ पे लिफ्ट है, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. वो हॉस्टल है, वाइट कलर का जो दिख रहा है बिल्डिंग, वो हॉस्टल है. और ये हम कैंटीन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है संजीता मम्मा. कत बाजे बोलते ना. और ये
यहाँ पे लीचीज का पेड़ है, ये जैक फ्रूट एक भी देते नहीं कॉलेज हमें, एक भी खाने नहीं देता है, इतने सारे जैक फ्रूट्स हैं। इसको देखो, ओ बिहारी लल्ला कैसन बा, ठीक बा। और ये है रूपा रानी, अरे पा हीरोइन, रूपा हीरोइन। और अखन बिहारी मम्मा, बिहारी बो हो गया। कैसन बा, सब ठीक बा, सब ठीक बा। हाय गाइस, देखो हम जा रहे हैं कैंटीन। ये लखों लोग हैं, इन लोग खा के आते पेट पूजा करके खाना वाना, फिर कैंटीन में जाके खाते, कितना खाते तो तू फिर भी इतना पतली। और मैं टिफिन लेकर सब खा गए, मुझे खाने ही नहीं दिए, है ना, टेस्टी था। हाँ चुमेश्वरी, तू महेश्वरी हॉबी दादा ना, आकांश महेश्वरी शर्मा और मिस्टर शर्मा, सब ठीक बना के हो सलमान खान भाई। আমি সালমান খানের বউ, আমি খাবো কি খাবি তো বল, বিরিয়ানি ঈদে খাবো বিরিয়ানি। আমি এক কাজ করবি, বিরিয়ানি রেনে না একটা হান্ডি নিয়ে চলে আসবো, সবাইকে পুরো কলেজকে খাবো, ঠিক আছে? আবার সবাই 100 টাকা করে দিয়ে দিবি, 100 টাকা করে প্লেট, বাইরে 120 টাকা, আমার কাছে 100 টাকা প্লেট। কি কিছুই জানে না মাটা। এ ক্যান্টিন কি খাবি? হ্যাঁ थप्पड़, एक थप्पड़ से उसने डाइवोर्स दे दिया, और तुझे क्या कर सकती है सोच ले। डोंट सब्सक्राइब, शट अप। ए आमंदर क्यों मुड़ी खावा, सॉरी मुड़ी खावा, सब्सक्राइब द चैनल, मुड़ी मुड़ी कैंटीन मुड़ी खावा, मुड़ी मुड़ी सॉरी, बार बार हाई ही करे जाच। हमें क्या मन देखते लगते हैं ना।